नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सरकारी नौकरी login.com आपके पास फिर लेकर आई है एक और रिक्रूटमेंट की सूचना। इस बार उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन के स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए हम आपके पास इस वीडियो के तौर पे सारी सूचनाएं और जानकारियां लेकर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार इस रिक्रूटमेंट में 744 स्टाफ नर्स जो कि नियोनेटोलॉजी ट्रेन स्टाफ नर्स और स्टाफ नर्स नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए रुचि रखने वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल होने से पहले या फिर अप्लाई करने से पहले फुल नोटिफिकेशन पढ़नी ज़रूरी है, ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में सभी जानकारियां वो हासिल कर सके। तो आगे बढ़ते हुए इंपॉर्टेंट डिटेल्स यानी कि महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपकी जानने की जरूरत है वो है लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो है 10 अक्टूबर 2018 और जो लास्ट डेट है कंप्लीट फॉर्म को सबमिट करने की वो भी है 10 अक्टूबर 2018। एग्जामिनेशन डेट आपका 4 नवंबर 2018। एडमिट कार्ड आपको अक्टूबर के लास्ट में मिलने वाली है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशंस को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो इस बार की एप्लीकेशन फ़ीस कुछ भी नहीं है, यानी कि आपसे इस रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जा रही। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा करना पड़ेगा, वो भी नर्सिंग में और रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल के साथ। और आपका जो एज लिमिट है वो अनरिजर्व के लिए 18 से 40, ओबीसी के लिए 18 से 43, एससी और एसटी के लिए 18 से 45, अनरिजर्व फिजिकली हैंडीकेप के लिए 18 से 50 साल, ओबीसी पीएच के लिए 18 से 53 साल और एससी एसटी पीएच के लिए 18 से 55 साल। और एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। जो वैकेंसी डिटेल्स है, इस बार टोटल पोस्ट जो खाली है वो है 744 यानी कि 744 और आपका पोस्ट नेम है स्टाफ नर्स नियोनाटोलॉजी ट्रेन स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग सिस्टर के स्टाफ नर्स के हिसाब से। आपकी जो पे स्केल होगी वो 18,150 रुपये से लेकर 25,569 रुपये यानी कि 18,150 से लेके 25,569 रुपीस। इंपॉर्टेंट लिंक्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फुल एडवर्टाइजमेंट की लिंक हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ताकि आप आसानी से उस तक पहुँच सकें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि क्लिक हेयर के तौर पर हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ताकि आप उस तक आसानी से पहुंच पाए। तो आप ये वैकेंसी डिटेल्स में एक टेबल दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशन नेम के हिसाब से पोजीशन कोड और उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, रजिस्ट्रेशन, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और ऑनरारिया इन INR यानी कि पर मंथ के हिसाब से कितना मिलने वाला है, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे आपको टेबल के तौर पे दिखा रहे हैं। नियोनेटोलॉजी के लिए आपकी BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या वो भी वैलिड RNRM नंबर, एसेंशियल एक्सपीरियंस और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस इन लेबर रूम SNCU और NBSU में होना चाहिए। आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट जो दूसरी स्टेट से बिलोंग करती है 3 महीने की टाइम रजिस्टर्ड फ्रॉम UP स्टेट नर्सिंग काउंसिल आफ्टर सिलेक्शन, उनको 3 महीने का टाइम मिलने वाला है। उनकी टोटल वैकेंसी इस पोस्ट के लिए है 648 और ऑनरारिया आपको मिलने वाली है वो है 18,150 रुपया। दूसरी पोस्ट है स्टाफ नर्स नर्सिंग सिस्टर के लिए, क्वालिफिकेशन आपकी वही यानी कि BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और आपके पास एक वैलिड RNRM नंबर और कम से कम 7 साल की वर्किंग एक्सपीरियंस होनी पड़ेगी स्टाफ नर्स के हिसाब से। और आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो पहले की तरह यानी कि स्टाफ नर्स नियोनेटोलॉजी के तरह होने वाला है। इस पोस्ट के लिए 96 पोस्ट यानी कि 96 पोस्ट खाली हैं और इसकी जो आपको ऑनरेरिया मिलने वाली है वो है 25,569 रुपीस। आपकी जो सिलेक्शन होगी वो आपका इंटरव्यू पे निर्भर करेगा और आपका एक रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन भी होगा जो कि स्क्रीनिंग और स्क्रूटिनाइजिंग प्रोसेस के लिए भी हेल्प किया जाएगा। तो बेसिकली आपका रिटन एग्जाम होगा, लीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हुए तो 33%, OBC के लिए 30, SC और ST के लिए 24% मार्क्स आपको रखने पड़ेंगे। तो कैंडिडेट के मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्ट होगा और वैकेंसी और वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट मैपिंग के लिए बाद में बुलाया जाएगा। आउटकम ऑफ द डॉक्यूमेंट मैपिंग प्रोसेस डिपार्टमेंट रिलीज द ऑफर लेटर फॉर कैंडिडेट्स, यानी कि जो आउटकम होगा आपका डॉक्यूमेंट मैपिंग प्रोसेस से उसके बाद आपकी ऑफर लेटर आपको दी जाएगी।
एज लिमिट आपका अक्टूबर 14 2018 के हिसाब से ये जो दिया गया है टेबल में, जो कि हमने पहले भी आपको बोल दिया है, वो इस हिसाब से होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल जहाँ पे कैटेगरी एज, एज रिलैक्सेशन और एज रिलैक्सेशन ईयर्स भी बताया गया है। तो उसको ये है आपकी जो गवर्नमेंट रूल्स, और इस हिसाब से ही आपकी एज रिलैक्सेशन होने वाली है। संविदा स्टाफ नर्स इस बार की वैकेंसी यानी कि NRHM UP इज सीकिंग एलिजिबल इस बार 24 डिस्ट्रिक्ट अंडर द MCH विंग्स में इसके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। और कैंडिडेट्स इसके लिए संविदा स्टाफ नर्स आगरा, गाजियाबाद, अलाहाबाद, मेरठ और अलीगढ़ में अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज बाइफर्केशन डिस्ट्रिक्ट एंड कैटेगरी वाइज फॉर द रिक्रूटमेंट MCH, NHM और UP। तो बाइफर्केशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपकी जो कैटेगरी वाइज आपका जो डिवीजन है वैकेंसीज में, वो यहाँ पे इस टेबल में दिखाया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में आपका कितना ठो पोस्ट खाली है, कौन से रिजर्व कौन से कैटेगरी के लिए कितना ठो पोस्ट खाली है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कुल मिलाकर 24 डिस्ट्रिक्ट्स दिखाए गए हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख पा रहे हैं हर जगह पे दिखाया गया है, और हर एक कैटेगरी में कितने पोस्ट खाली है एक एक कैटेगरी के लिए, वो भी अच्छी तरह से इस टेबल में दिखाया गया है। आप अप्लाई करने से पहले इस टेबल को ज़रूर रेफ़र कर लें। तो कैसे अप्लाई करें आप इस वैकेंसी के लिए, तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके लॉगिन करें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के ज़रिए, या फिर अगर आप नए रजिस्ट्रेशन हैं तो आप साइनअप करें, सभी रिक्वायर्ड डिटेल्स को फिलअप करें और फिर UP NRHM स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी में क्लिक करें, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें और अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स जो कि ज़रूरत है उन सारी को अटैच करके सबमिट बटन दबाएँ, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएँ। यहाँ पे एक एड्रेस दिया गया है जो कि है स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट SPMU, नेशनल हेल्थ मिशन NHM, विशाल कॉम्प्लेक्स 19A, विधान सभा मार्ग, लखनऊ 226001। कॉन्टैक्ट नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल यहाँ पे दिया गया है। आपकी कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अपनी डाउट क्लियर करवा सकते हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है upnrhm.gov.in। आप अगर ज़्यादा जानकारियाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हासिल करने की आपको मन है या फिर आप जानकारियाँ जानना चाहते हैं, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर सभी उपलब्ध जानकारियाँ को हासिल कर सकते हैं। ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ताकि आप आसानी से उन तक पहुँच पाएँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।